फट सब कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लगता है शायद आज संडे है, तो हैप्पी संडे सबको। और फेस दिखाकर वीडियो बनाया करो, शायद इसलिए मैंने कोशिश करी कि आज संडे है तो चलो एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए। आप लोग मेरा इंतज़ार करते हो। इंतज़ार क्यों करते हो? क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, है ना? तो अभी बताने के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं है। जेई की वैकेंसी आ चुकी है, अप्लाई कर दो। और बस यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। विवेक सर ने टेक्निकल की क्लासेस भी चला रखी हैं, तो जो टेक्निकल के लिए जो परेशान थे लोग, वो टेक्निकल वहाँ से अपना कंप्लीट करें। बहुत अच्छी तरीके से हो रही है वहाँ पे, क्योंकि मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। क्योंकि टेक्निकल का सिलेबस जो है, जो बच्चे कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ से उनका अच्छे से कवर हो रहा है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। किस चीज़ का? एक तो वाईफाई स्टडी से भी सीखा उन्होंने, अब यहाँ से भी सीख रहे हैं, तो डबल रिविज़न हो रहा है और अच्छे से हो रहा है। कोई कितना भी करें, अपना काम होना चाहिए, अपनी नौकरी लगनी चाहिए, ठीक है? और अब एक बात और कर लेते हैं कि अभी बहुत 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 यूट्यूब का तो नाम बदनाम ही कर रखा है, अब तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा आने वाले समय में। प्रॉब्लम यह है कि जिसको देखो उसको ही कुछ ना कुछ फेक डालने लगता है कि सरकार की बड़ी चाल है रेलवे ग्रुप डी में सबको नौकरी, या फिर रेलवे ग्रुप डी का आ गया रिजल्ट, या फिर मेडिकल रेलवे ग्रुप डी का आपसे होगा कब से होगा। तो इन सब चीज़ों पे फोकस मत रखिए, ध्यान मत दीजिए। कोई मेडिकल में कुछ बता रहा है, कोई मेडिकल में कुछ बता रहा है, कोई इन सब चीज़ों को सोच के। अभी मेरे कमेंट में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जो कि अपने हाइड्रोसिल और टेस्टिकल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे थे, कई अपनी आई साइट की प्रॉब्लम बता रहे थे, कई अपनी उंगलियों के बारे में बता रहे थे, दांतों के बारे में बता रहे थे। तो ये जो मेजर पॉइंट है, इसके लिए कोई ऐसा नियम कानून एकदम लिखित में नहीं है कि आपकी एक हाइड्रोसिल मतलब एक आई की साइट कम है या हाइड्रोसिल, ये सिर्फ आपके लक के ऊपर है। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, काम करने में आप असमर्थ हो उस प्रॉब्लम के साथ, तो मुश्किल है कि आपको सिलेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो नॉर्मली, और ऐसा नहीं है, आप लोग पहले ही डर जाते हो, तो चीज़ों को करना है, अप्लाई करना है। जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ग्रू यूपी पुलिस में जो अभी अभी रिजल्ट आया है, जो उसमें हाइट मेजरमेंट हो रहे थे, तो वहाँ पे एक पर्सन ने मुझे एक डिटेल बताई कि ऐसा नहीं है, ये इलीगल है। एक लड़का था, बहुत सारे लोग ये बोलते ना, आपने भी सुना होगा कि भाई 168 मांगा तो 170 होनी चाहिए, 169 होनी चाहिए, नहीं तो वो कम कर देते हैं, हटा देते हैं, घटा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नियम कानून के तहत होता है। कभी कभी इससे भी बढ़ के भगवान की कृपा हो जाती है। जैसे किसी लड़की की एकदम 168 है, एक एक सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है उसमें, कम हो रहा है, तो जो नापने वाले जो अफसर होते हैं ना, वो उस बच्चे को आगे निकाल देते हैं। वो क्यों निकाल देते हैं? अगर 1 सेंटीमीटर का अलग फर्क है, तो शायद वो उसकी घबराहट की वजह से हो रहा हो, या वो सही से मतलब अपने आप को तान नहीं पा रहा है, तो उसको आगे भी निकाल देते हैं। बस वही चीज़ होती है कि आपको अफसर सही मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। बाकी अगर आप बिल्कुल डरते हो पहले से कि मेरी हाइट कम है, मेरी आई साइट विजन खराब है, तो जब आप पहले ही अपने आप को तोड़ चुके हो, तो आगे भी आपको टूटा हुआ ही मिलेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ ये सब चीज़ें करनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस भरपूर अपने अंदर रखो कि मेरा होगा। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, जिस भी वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो कोई भी चैनल हो, आत्मविश्वास रखो उसके ऊपर, उसको मान के रखो कि हाँ ये मेरा बेड़ा पार लगाएगा अगर ऑनलाइन स्टडी करते हो, ठीक है? और ये फिजूल की जो चीज़ें हैं, इस पे विश्वास मत रखना, ये आपका टाइम खाती हैं। और फिलहाल मैं ये फेस वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल टॉप पे आया हूँ, जहाँ पे पानी की टंकी होती है, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। क्योंकि यार बहुत सारे लोग ना, जब वीडियो बनाते हुए देखते हैं, बहुत सारे लोग पहचान भी जाते हैं और फिर गड़बड़ होने लगती है ना, इसलिए समय सबके पास बराबर है, तो इसलिए थोड़ा सा छुप के वीडियो बनाना पड़ रहा है। आजकल बहुत सारे लोग पहचान रहे हैं, और अभी रिसेंटली जब मैं दिल्ली से पटना आ रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे मिले भी थे। मैं दिल्ली पुलिस MTS का एग्ज़ाम देने गया था, वहाँ भी मुझे बहुत सारे लोग मिले थे। मैं हालांकि मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मैं, अगर कोई लोग मिले तो मैं वीडियो बना के फटाक से आपको डाल के बताऊँ ये मेरे पहले सब्सक्राइबर, बातचीत होती है अच्छे से, और वो भी सामने वाला जो बंदा है और मैं भी, दोनों सेम। बल्कि मैं उसको बड़ा मानता हूँ कि भाई आप बहुत मतलब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। मैं तो अपना सिर्फ एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कोई महाविज्ञानी नहीं हूँ, तो सिर्फ यही ज़िंदगी है। और कभी ना कभी आपसे भी मैं मिलूँगा रास्ते राह, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक आम इंसान हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें कुछ अच्छी अच्छी लिखी थी, लेकिन आज ये जगह मुझे समझ में आई है, तो अभी एक वीडियो ये ऐसे ही मैंने बनाया है। देखते हैं आवाज़ वगैरह आपको सही आती है और लोकेशन सही है कि नहीं, उसके बाद जो भी मैं रोज़ के थॉट सोचूंगा, जो भी चीज़ें सोचूंगा, मैं आपको यहाँ से आके रेगुलर अपडेट
कर दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। और जो लगे वो कर देना, चाहे सब्सक्राइब का मन करे सब्सक्राइब कर देना, लाइक का मन करे लाइक कर देना, और नीचे कमेंट तो खुला ही हुआ है, कमेंट कर देना। ठीक है, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और मैक्सिमम की रिप्लाई भी करने की कोशिश करता हूँ। बाय बाय।